अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा समेत रोजगार देने वाले अन्य वीजा को निलंबित करने पर विचार कर रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी है। H1B वीजा निलंबन से प्रभावित होने वाले देशों में भारत प्रमुख है, क्योंकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर इस वीजा की सबसे ज्यादा मांग करने वालों में से है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार अगले वित्त वर्ष में इस प्रस्तावित निलंबन को मंजूरी दे सकती है। अमेरिकी वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह व्यवस्था देश के बाहर किसी भी नए H1B वीजा धारक के काम करने पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगा सकती है जब तक निलंबन समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि जिनके पास देश के भीतर पहले से वीजा है उनके इससे प्रभावित होने की संभावना नहीं दिखती है। H1B वीजा एक गैर आम्रजन वीजा है। यह अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्ति करने की सुविधा देता है, विशेषकर प्रौद्योगिकी विशेषता वाले काम में। अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियां हजारों कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए हर साल भारत और चीन पर निर्भर होती हैं। ऐसे में अमेरिकी सरकार के इस फैसले का असर हजारों भारतीय पेशेवर पर होगा। अमेरिका में पहले से कई H1B वीजा धारकों की नौकरी जा चुकी है। कोरोना संकट के दौरान वह भारत वापस लौट रहे हैं। जी हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसी विदेश की भी खबरें हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।